ये भी देखो स्क्रू गॉज का 2018 में आया था, ये एक स्क्रू गॉज का क्वेश्चन है। तो स्क्रू गॉज का क्वेश्चन इसको करने के लिए आपको फिर से वही मैं बता रहा हूँ कि आपको स्क्रू गॉज पढ़े होंगे तभी कर पाओगे, कुछ उसके फार्मूले पढ़े होंगे, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज ये आपसे नहीं होगा यार, ठीक है। तो ये स्क्रू गॉज का है, इसमें ये कहता है कि पहले जो डेटा दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। स्टूडेंट मेजर द स्मॉल स्टील बॉल और यूजिंग द स्क्रू गॉज जिसकी लिस्ट काउंट LC दी हुई है, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आप देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। तो जो LC है, लिस्ट काउंट है, वो 0.0001 सेंटीमीटर में है, ठीक है ना, 0.01 सेंटीमीटर है। और मेन स्केल डिवीजन जो मेन स्केल डिवीजन है उसको MSR बोला जाता है, मेन स्केल रीडिंग MSR 5 मिलीमीटर है। तो अगर 5 मिलीमीटर है तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, सारे डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिखते हैं। और सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड 25 डिवीजन से कोइंसाइड करता है, ठीक है। एंड जीरो सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन अबव द रिफरेंस, 25 डिवीजन से सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करता है, सर्कुलर स्केल डिवीजन 25 से कोइंसाइड करता है ऐसा क्वेश्चन में बता रहा है यार, ठीक है, रेफरेंस लेवल। स्क्रू गॉज जो एरर है, स्क्रू गॉज में जो एरर है वो माइनस में दिया हुआ है, ध्यान देना, एरर है तो माइनस में दिया है 0.0004, ठीक है, 0.004 सेंटीमीटर है। तो अब कहता है करेक्ट रीडिंग ऑफ द डायमीटर, तो करेक्ट रीडिंग ऑफ डायमीटर जो होगा वो कौन सा होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ बॉल जो होता है वो होता है MSR प्लस CSD मल्टीप्लाइड बाई LC लिस्ट काउंट माइनस एरर, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। और अगर इस फार्मूले को स्क्रू गॉज में अगर तुम इसको लगाओगे तब तुम इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये मेन सर्कुलर स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड करो लिस्ट काउंट से माइनस एरर। अब सारी वैल्यू जो ऊपर लिखे हो इसमें डाल के कैलकुलेट कर लो। ये जो क्वेश्चन था वो इसको भी डिफिकल्ट लेवल का माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चे, ये तो फार्मूला याद रहता, जिसको याद है वही कर पाएगा, ठीक है। तो लिस्ट काउंट MSR कितना बोलो, तो ये है 0.5, ठीक है, और प्लस CDS कितना है 25, और लिस्ट काउंट कितना है इसका, लिस्ट काउंट 0.0001 है, और माइनस एरर, माइनस यहाँ से और एक माइनस यहाँ से, तो ये हो गया प्लस और 0.04। अब इसको पूरा अगर कैलकुलेट कर लोगे तो देखो इसको पूरा कैलकुलेट करना 5.29 आएगा, 0.529, मतलब डी ऑप्शन सही है, इतना सेंटीमीटर, ये द डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। तो ये आपको मतलब बेसिकली जो है थोड़ा सा अगर आप पढ़े हो तभी